दूर से तमाशे की तरह बस देखो तो for a spectator sport. I'm the night manager. Welcome to the family. Welcome to the family. मैं जो बीते हुए कल में नहीं आने वाले कल. I'm pulling you out. We are pulling you out. देखिए एक दो नहीं सारे के सारे खिलाफ हो गए इस बार. जनरली क्या होता था भाई, जिसकी मूवी की कॉपी होती थी वही आकर कुछ बोल लेता था, जिसका रिमेक होता था वही आकर अपने इंटरव्यू करता था. बट दिस टाइम प्रभास, एनटीआर, इवन अपने मलयालम इंडस्ट्री से पृथ्वीराज साहब, टोविनियो थॉमस, सूर्या, कार्थी, सारे के सारे इस मामले पर खड़े हुए हैं क्योंकि ट्रेलर आ गया है द नाइट मैनेजर का. क्योंकि भाई अमेजन प्राइम पर ऑलरेडी द नाइट मैनेजर है भाई, 2016 में आ गया था. टॉमी डेल्सन का एक वेब सीरीज है और भाई वेब सीरीज कॉपी कर दिया, मूवी नहीं. दो घंटे से इनका पेट नहीं भरा, सीधा 6 घंटे का माल कॉपी करेंगे. भाई देखिए ट्रेलर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया, गनवन चल रही है, आदित्य रॉय कपूर सटल दिख रहे हैं, अनिल कपूर बहुत अच्छा काम कर रखा है. बट द प्रॉब्लम इज रिसेंटली ऑस्कर्स के लिए आपको पता होगा नॉमिनेट हुई अपनी 2-4-5 फिल्में, जिस चक्कर में लेकर काफी प्रेस मीट हुई है. एनटीआर थे, रामचंद्र थे, राजामौली साहब थे, ग्लोबल गोल्डन को लेकर प्रेस मीट हुई, उसके बाद क्रिटिक को लेकर प्रेस मीट हुई और वहां पर एक ही बात बोली गई. वो ये नहीं बोलते कि तेलुगु इंडस्ट्री ये, तमिल इंडस्ट्री ये, भाई वो इंडिया को काउंट करते हैं. अब इंडियन इंडस्ट्री, यू पीपल कॉपी सो मेनी हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, व्हाई यू कॉपी एज मच. तो वहां पर ना तो राजामौली के पास कोई जवाब था, ना रामचंद्र के पास, ना एनटीआर के पास. और कमाल की बात है इन तीनों ने किसी हॉलीवुड मूवी की कॉपी नहीं की है और राजामौली ने तो बिल्कुल भी नहीं किया. मान लो एनटीआर और रामचंद्र ने फिर भी एक आधा कर रखा हो कुछ, लेकिन राजामौली तो भाई नजदीक तक नहीं गए यार रीमेक चीजों के. और उन्होंने भाई आके अपना स्टेटमेंट दिया था कि यार वी शुड स्टॉप दिस, हमें कुछ नया अपना कंटेंट बनाना चाहिए. उसके 2 दिन बाद ये हरकत हो गई, जिस चीज को लेकर ना प्रभास भी बोले हैं कि यार कोई भी जाता इंडिया को रिप्रेजेंट करता बाहर तो उनकी बेइज्जती होती है. जिस पर एनटीआर बोले कि वी शुड स्टॉप दिस नाउ, वी शुड क्रिएट आवर ऑन कंटेंट. और अल्लू अर्जुन का भी कहना था हमारे पास राइटर्स की कमी नहीं है, बट वी नीड टू लीव दिस माइंडसेट. ये फिल्म हॉलीवुड में चली तो यहाँ भी चल जाएगी, पैसे कमा लेंगे. वी डोंट हैव टू बी फोकस्ड ऑन पैसे कमा लेंगे, हमें क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा. बाकी आपकी राय क्या है जनता, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. बाकी मिलता हूँ आपसे जल्द. बाय बाय.